नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे मशीन का हत्ता होता है, राउंडर होता है, तो ये टाइट क्यों हो जाता है। कई बार हम इसे चलाते हैं बिल्कुल ऐसे लूज में नहीं चलती, ओके नहीं चलती, तो इसका क्या कारण होता है और कहाँ पे धागा फंस जाता है। यहाँ पे जो हमारी मशीन का ये जो चक्का जॉइंट होता है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे धागे फंस जाते हैं और उनको हम सही से नहीं निकाल पाते। तो मैं आपको इस टायर को खोलने का तरीका बताऊंगी और वापस इसे लगाने का तरीका भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको इसको खोलने का, ये जो पेच है ये हम देख रहे हैं, इसकी सहायता से इसे खोलना होता है। जो यहाँ पे तो ऐसे दिया हुआ है, आपकी मशीन में कैसे मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इस मशीन में तो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम एक पेचकस लगाएंगे और पेचकस लगा करके उस पे हथौड़ी की चोट लगाएंगे। आइए देखते हैं। एक तरफ चोट लगा करके हम इसको खोलेंगे और जिस तरफ हमने चोट लगा करके यानी घुमा रहे हैं उससे उल्टी यानी रॉन्ग साइड में हम इसको बंद करेंगे। वापस जब हम लॉक करेंगे तो वो दूसरी साइड होगी, दूसरी साइड में हम इसको चोट मार करके इसको लॉक कर देंगे। और अभी खोलने के लिए हमने दूसरी साइड में इसकी चोट लगाई है। वाह, देखिए मशीन के अंदर कितना जो कचरा फंसा हुआ है। तो इस तरह से आप पीछे के हैंडल को मशीन से खोल सकते हैं और खोलने का तरीका आप एक बार वीडियो को दो बार वॉच करके देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ से साफ सफाई कर ले, जो भी धागा कचरा, इन सब की वजह से ही मशीन की सिलाइयों में खराबी आती है। तो अपनी मशीन की अगर आप साफ सफाई और ऑयलिंग कर लेंगे तो जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है बिल्कुल घर पे ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऑयल देकर के, कई बार क्या होता है यहाँ पे धागा फंस जाता है, इसलिए आपको बैक साइड का हत्ता खोलने की जरूरत पड़ती है। और आप इस तरह से हत्ता खोल सकते हैं और मैं आपको वापस लगाना भी बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि खोलने के बाद आप इसको वापस ऑयल देकर के और कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने इस हत्ते को इस तरह से पोंछ लेना है, इसकी फिनिशिंग करके और वापस इसको यहीं पे सेट कर देना। इसी तरह से आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो गया है। और इसको जैसे हम राउंड में इस तरह से चलाते हैं तो देखिए बहुत इजीली हो जाता है इसके अंदर, ये इतना मतलब इजी हो जाता है। अब देखिए हत्ता लगाने के बाद आप इस पे वाशर लगाएंगे इस तरह से, ये वाशर यहाँ पे सेट हो गया है, दिखाई देता है। तो इसी तरह से हमें इसको सेट कर लेना है। अब ये जो स्टामोसन है इससे हम इसको टाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है और वैसे हार्ड भी है, पर आपको बहुत सावधानी से और वीडियो को देख करके और अपनी मशीन को इस तरह से ओली और जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा लेना है। तो इस तरह से देखिए आप इसको खोल भी दिया और यहाँ पे सेटिंग भी कर लिया। अब इसको टाइट करना है, तो देखिए टाइट करने के लिए देखिए जो ये होल है इसके अंदर हम यहाँ पे पेचकस लगाएंगे और पेचकस को ऊपर से हथौड़े की चोट लगाएंगे और इस तरह से ये धीरे धीरे टाइट हो जाएगा बिल्कुल भी और ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। और खोलने के लिए भी यही सिस्टम है, खोलने के लिए आपको पेचकस लगाना होगा फिर हथौड़े की चोट लगाएंगे तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा, उसके बाद आप इसको हाथ से घुमा करके खोल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टाइट हो गया है और यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया है। तो इस तरह से आप पीछे के हैंडल को भी खोल करके और इसकी सफाई कर सकते हैं, धागा फंसा हुआ हो तो निकाल करके और जो टाइटपन है इसका उसको लूज कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हो मशीन कभी भारी चले तो इस तरह से और इस होल की सहायता से इनको खोल ले और फिर वापस इसको सेट कर ले। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक नए और अच्छे वीडियो में, थैंक यू।